पहली बार किसी के ऊपर चिल्लाया हूँ। ये है स्टेटमेंट द कपिल शर्मा शो के होस्ट कपिल शर्मा का, और ये वो चिल्लाए हैं सुनील ग्रोवर के ऊपर। मैं हूँ राहुल भोज और इस डिस्प्यूट से लेकर कुछ एक्सक्लूसिव बातें मैं आपके सामने लाऊंगा एक्सक्लूसिवली ऑन बॉलीवुड स्पाई। क्या कहना चाहेंगे, व्हाट्स योर टेक अबाउट द डिस्प्यूट बिटवीन कपिल एंड सुनील? डिस्प्यूट के बारे में मुझे अभी उतना मालूम नहीं है, लेकिन इसे थोड़ा मालूम चला है तो अभी कपिल इज अ मेगा स्टार, सो हो सकता है कुछ ईगो प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम। आई थिंक कपिल शर्मा को फेम ऐसे बोल सकते हैं थोड़ी चढ़ गए, थोड़ी एरेगेंट हो गए। रिसेंटली भी वो कॉफ़ी विद करण में आए थे जिसमें सिर्फ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट अभी थोड़ा एरेगेंट हो गए है और अभी ऐसी हरकतें करने लग रहे हो। ऑल द पॉपुलैरिटी दैट ही इज़ बीन रिसीविंग लेटली, दैट्स काइंड ऑफ द स्टारडम दैट ही इज़ रिसीविंग, सो मे बी वो उसका एरेगेंस आ गया है, हो सकता है। कुड ऑल्सो बी अ पब्लिसिटी स्टंट। It could be, yeah, because TRP के मामले में it's not always high, it's not always low, it's and it's never balanced. It goes down, it goes high. So I think अभी maybe TRP उनकी अच्छी नहीं चल रही हो तो maybe उन लोग ने किया हो ऐसा। I guess according to me, it's quite normal in TV shows. Like not really normal, but it happens. We have like for a long time there have been. Cases of disputes between producers and directors and the show, yeah, everyone. So I guess it's quite normal, but this has happened once again. It has happened before and it has happened again. So there is something quite fishy with Kapil Sharma. Actually, मैं यो न्यूज़ पढ़ा मैं, it was wrong. Actually, कोई भी इसे स्टार ने अपने कोस्टार के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। वो भी उनके साथ वो भी लास्ट दो तीन साल से काम कर रहे हैं, पाँच साल से, तो गलत ही था उनका वर्ड्स और सब गलत ही था, बाकी कुछ नहीं। सर जो भी हुआ ये तो रॉन्ग है। अब जैसा कि मैंने सुना है कि कपिल शर्मा जी ने उनके साथ मिसबिहेव किया है तो रॉन्ग है। हमें एक टीम वर्क करना चाहिए। अब वो उनके कनिक से अगर कपिल शर्मा का शो कपिल जी के बाद अगर चलता है तो सेकेंड सुनील ग्रोवर का ही नाम आता है। That is true. अगर शो तो उन्हें ऐसा कुछ डिस्प्यूट हुआ है तो आपस में बातचीत करके सुलझा देना चाहिए दोनों को बैठ के। सुनील जी वापस से अगर जा रहे हैं शो छोड़ के तो मुझे लगता नहीं कि वापस वो आएंगे। जो आप देख रहे हैं कि इनका झगड़ा या फिर ये सब जो चीज़ हुआ है, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि कपिल शर्मा का ये शायद से दूसरी बार उनके साथ हुआ है। और गुत्ती करके जो उनका कैरेक्टर है वो कपिल शर्मा को बहुत मुझे लग रहा है कि एक टफ देने वाला कैरेक्टर है, कि मोस्ट ऑफ जो शो रहता है वो कपिल शर्मा की वजह ये जो बाकी के को आर्टिस्ट है वो कवर कर लेते हैं। अगर कपिल शर्मा शो में नहीं रहा तो भी जो है बाकी के आर्टिस्ट है वो शो कवर करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ बोलते हैं ना जेलेसी या फिर ऐसा कुछ रहेगा। बुरा हुआ, कपिल शर्मा को ऐसे नहीं करना चाहिए था। मतलब अभी उसमें बहुत ईगो आ गया है जस्ट बिकॉज ऑफ स्टारडम। वो भूल गया है कि यही प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से वो इतना फेम और नेम कमा रहा है। या एक्चुअली मतलब सब लोग उसको टैलेंटेड बोल रहे हैं, इसका मतलब ऐसे नहीं कि लाइक आप पूरा ईगो में आके किसी को असॉल्ट करो या फिर मतलब ये मतलब ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट ही है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। और एक्चुअली वो सुनील ग्रोवर समथिंग वो राइट कर रहा है कि वो शो छोड़ रहा है, क्योंकि किसी के मतलब अपने रिस्पेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आएगा तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं लेगा। और ये तो शो ज्यादा करके देखा जाए तो सुनील ग्रोवर की वजह से ही ज्यादा चलता है कम्पेयर टू कपिल शर्मा, बिकॉज कपिल शर्मा अभी कुछ कॉमेडी करता नहीं है एक्सेप्ट इंटरव्यूज लेने के अलावा। मतलब मोस्टली सारे स्टार्स उसके शो पे आ रहे, नंबर वन पे चल रहा है, लेकिन एक्चुअली देख रहे बूंद बूंद से वो भरता है, तो एक्चुअली सब लोग है इसी के वजह से वो शो है, ना कि उस अकेले के वजह से। तो फिर सबको एक साथ लेके चलो, लेकिन किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कुछ बोलो मत, कमेंट मत करो ऐसे। एक्चुअली ये रॉन्ग है, मीन्स कपिल पहले लो में ही था, मतलब फेम नहीं था, अभी फेम हो गया तो वो लोगों को मीन्स डिसएडवांटेज मतलब एडवांटेज ले रहा है उस चीज़ का कि फेम मिल गया तो नीचे वाले मीन्स नीचे ही, मतलब रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं दे रहा है मेरे हिसाब से। एंड अगर सुनील ग्रोवर ने शो छोड़ दिया राइट, सो क्या कपिल शर्मा शो आज जिस जगह पर है वो वहाँ पर रह पाएगा या उससे आगे जा पाएगा? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि सुनील ग्रोवर इज अ बैकबोन ऑफ कपिल शर्मा शो, तो मुझे नहीं लगता कि
आगे जा पाएगा, मुझे लगता है टीआरपी कम होगा। आई थिंक शो को बुरे वे में अफेक्ट करेगा, बिकॉज ऐसे सब जो साइड कैरेक्टर्स है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो काफ़ी अलग रोल भी करते हैं, तो मज़ा चला जाएगा मेरे हिसाब से, और होपफुली वो नहीं छोड़ता है। आई थिंक नीचे गिर जाएगा, बिकॉज कपिल शर्मा इज़ नॉट दैट केपेबल ऑफ हैंडलिंग द शो इन अ वेरी कॉमिकल सेंस ऑन हिज ओन। आई थिंक 60-70% जो कॉमिक कंटेंट था, ह्यूमरस कंटेंट था, दैट वॉज बिकॉज ऑफ सुनील ग्रोवर। So I think it would drop down because it has happened once. So it can happen again. According to me, नीचे तो already गिर गया है. It might go down more, and I guess Sunil Grover is big part, very big part of the show, and it will have an effect on his show, surely. इफेक्ट तो पड़ेगा क्योंकि सुनील ग्रोवर उनका भी रोल इम्पोर्टेंट है, वो उनके गुलाटी का फर्क तो पड़ेगा ही। शो पे सर इफेक्ट तो उतना नहीं होगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि जो शो है वो कपिल शर्मा के नाम से, तो आदमी का सोच वो है कपिल शर्मा, बट फिर भी कपिल शर्मा के शो में या कपिल के बाद अगर किसी को कोई इज्जत देगा तो वो है सुनील ग्रोवर। नहीं, शो पे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा इफेक्ट गिरेगा, क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ सुनील जी दूसरे शो में काम कर रहे थे, बराबर है, दूसरे चैनल्स पे, तो वहाँ पे देखा जाए तो अकेले सुनील के वजह से दूसरे चैनल वालों का टीआरपी हाई जा रहा था उस प्रोग्राम की वजह से, और तभी शायद से कपिल शर्मा को कुछ लगा रहेगा या फिर कलर्स वालों को कुछ लगा रहेगा, इसलिए सुनील को वापस बुलाया गया। अभी लगता नहीं कि सुनील अगर बाहर गए तो वापस आएंगे करके, वो भी एक चीज है, और उनका टीआरपी भी बहुत इफेक्ट गिरेगा। आई गेस डाउन जाएगा, बिकॉज वो शो उसी के वजह से चलता है ज्यादा करके, मुझ जैसी पब्लिक तो सुनील ग्रोवर के वजह से ही देखती है, ना कि कपिल शर्मा के लिए। या जोक्स भी बहुत ही वाहियात रहते हैं, सो या एक्चुअली वो तो है कि लाइक उसी के वजह से चलेगा, लेकिन वो जाएगा तो मतलब वो किसी ना किसी को तो लेगा ही अपना शो रखने के लिए, कि ऐसे नहीं कि पूरा लो जाएगा, वो किसी ना किसी मतलब सुनील ग्रोवर का जो फैंस है वो लोग मतलब अपोज ही करेंगे उसको, बट वो करेगा कुछ ना कुछ, इतना तो है कि अभी वो उसने ईगो में ये कर लिया तो ऑब्वियसली वो कुछ अपना एक बनाने के लिए शो का स्टैंडर्ड वो किसी ना किसी को तो लेगा ही ना, ऑब्वियसली। आई गेस किसी को भी ले ले, सुनील ग्रोवर की जगह पे रिप्लेस नहीं कर सकता, वो उसकी एक ओरिजिनलिटी है, वो नहीं ला सकता है उसको। सुनील ग्रोवर को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? या सेव द शो इफ यू कैन, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु वॉच द शो, सो या। तो कोई मैसेज देना चाहते हैं कपिल की टीम को या सुनील ग्रोवर को आप पर्सनली? एज ए टीम हम लोग वो शो देखते हैं कि पूरा टीम ही उनका एक अलग रोल है, लेकिन टीम के किसी मेंबर के साथ ऐसा हुआ तो वो भी गलत है, तो एज ए टीम उन्होंने वो जो भी हुआ है सब उसमें सॉरी बोल के वो सब ये करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग वो शो देखते हैं 5-6 साल से अच्छे से। मैसेज मेरा ये रहेगा कि एज ए टीम मिल के काम करें और शो को और आगे बढ़ाए, ये छोटी मोटी डिस्प्यूट होगा तो शो पे इफेक्ट पड़ेगा इसका। पर्सनली ऐसा है कि भाई लोग हवा में मत जाओ, आपकी वजह से हम लोग एक एंजॉय करते हैं लाइफ के, जो 2 घंटे आपका जो शो चलता है, 1-1.5 घंटा जो भी है, हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, हमें पसंद है शो। सिर्फ ऐसे कुछ करोगे तो आपकी जो इमेज है वो हमारी नज़र में डाउन होते जाएगी, फिर आप कितना भी अच्छा प्रोग्राम करो, कोई नया प्रोग्राम चालू करो, नए पिक्चर में जाओ, फिर वो एक आपका नेगेटिव इमेज हमारे हमेशा ही दिमाग में रहेगा, तो बी केयरफुल फॉर दैट। फॉर सुनील ग्रोवर ऑफकोर्स या उसको फाइट करना चाहिए अपने लिए, एंड फॉर कपिल शर्मा अपना ईगो थोड़ा कम करे, वो इतना भी बड़ा स्टार नहीं है कि वो ऐसा कुछ करे और पब्लिक चुपचाप उसको सपोर्ट करेगी। नहीं, मैं तो पहले थी बाबा कपिल की बहुत बड़ी फैन, बट अब भी जो पता चला रिसेंट, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि लाइक मैं तो बहुत अपोज करती हूँ ऐसी सारी चीज़ों को, तो अब इतनी नहीं रिस्पेक्ट रहेगी, और जो सुनील ग्रोवर ने किया बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही करना चाहिए, कि खुद के ऊपर कुछ नहीं लेना चाहिए बस। कपिल ने अपने फेसबुक पोस्ट में ये कहा है कि ये एक फैमिली मैटर है और फैमिली में झगड़े नहीं होते क्या। वेल, जो भी है कपिल, मैं तो यही कहूंगा कि आप सुनील को